आज मैं आपको एक दिन में बनाकर आमले का अचार खाने देखिए मैं गैस ऑन कर रही हूँ। देखिए गैस ऑन कर इस पर एक तवा रख देती हूँ। तवा को गर्म अच्छे से गर्म होने दे रही हूँ। आप देखिएगा तवा अच्छे से गर्म हो गया है। देखिए तवा गर्म हो चुका है। अब इस पर मैं देखिए क्या डाल रही हूँ। एक चम्मच धनिया डाली और थोड़ा सा डाल देते हैं। देखिए ये धनिया है लगभग 2 चम्मच बड़ा चम्मच से डाल दिया। तो धनिया वो भूंज रहा है। देख लीजिए धनिया एकदम फ्रेश है। थोड़ा सा पहले इसको चला देते हैं अच्छे से इसको उला के। लगभग 25 ग्राम ये धनिया है। आज आपको मैं 1 किलो मुरब्बे का अचार बनाने के लिए बता रही हूँ। बहुत ही सरल तरीके से जो आप इतना यूनिक है कि आप तुरंत बनाइए और इसे खाइए। देखिए अब इसमें थोड़ा सा मैं इसमें लगभग 1/2 चम्मच के लगभग देखिए मेथी डाल दी। खबर 1/2 चम्मच सौंफ इतना ही 1/2 चम्मच के लोगों जमाए। सभी को अच्छे से चला देना है और गैस को ऑफ कर देना है। गैस ऑफ कर दिए। देखिए सबको अच्छे से चला दी। लास्ट में आप इसमें डाल देंगे थोड़ा सा 1/2 चम्मच के लगभग कलौंजी जो कि इसे मंगरेला भी कहते हैं। इसे डाल दिए बस हल्का से चला दिए इसे। अब इसे भून जा चुका है। इसे प्लेट में निकाल लिया है। देखिए देखिए ये निकाल लिया। थोड़ी सी अब लाल मिर्च डाल देते हैं इसमें। इसे इस तरह से इसको भी उला लेंगे हल्का सा सुनहरा। इसे भी भून लेंगे। मिर्च आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं ज़्यादा कम तीखा है जितना खाते हैं उसके अनुसार। इसे भी अच्छे से थोड़ा सुनहरा तक भून लेते हैं। ये भी देखिए थोड़ा हो चुका है। इसे भी अच्छे से प्लेट में इसको भी प्लेट में देखिए प्लेट में इसमें भी निकाल लिए हैं। और अब जो बनाने वाले आमले का वो मैं बता रही हूँ। देखिए एक बर्तन में बर्तन गर्म हो रहा है ध्यान दीजिएगा ये बहुत ही। अब देखिए इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा तेल। देखिए ये शुद्ध सरसों का तेल है। सरसों का तेल भी डाल रहा है इसमें लगभग 100 ml 1 किलो आमला के लिए। देखिए 100 ml के लगभग तेल डाल दी। तेल गर्म हो चुका है। धुआं निकल रहा है। तेल गर्म हो चुका है। देखिए ये 1 किलो के लगभग आमला है। ये आप अच्छे से देख पा रहे हैं 1 किलो आमला है। अब इसे मैं गर्म तेल में देखिए ये ऐसे अब धीरे धीरे फ्लेम पर ही इसे अच्छे से चलाना है। ऐसा यूनिक आपको किसी ने नहीं बताया। इसमें अच्छा आमला का अचार बता रहे हैं जो आप तुरंत बनाइए और खाइए और इसे स्टोर करके रख दीजिए तभी ये खराब नहीं हो सकता। कभी नहीं खराब हो सकता। देखिए चलाना है इसे धीरे धीरे मीडियम आँच पर ही चलाते रहना है। मीडियम आँच पे इसे चलाते रहना है जब तक आमला भुजा रहा है। देखिए ये मसाला है। ये मसाला थोड़ा सा और मैं डाल देती हूँ। आधी चम्मच से लगभग इसमें सरसों देखिए ये काली पत्ते हैं थोड़ा डाल दिए। 1 चम्मच डाली। 1 चम्मच से लगभग पूरा डाल दीजिए। देखिए
थोड़ा, अब थोड़ा सा मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पीली सरसों, जो कि आप देख सक रहे हैं, ज़्यादा नहीं बल्कि कम, जैसे पीली सरसों डाल दिए। इसे मैं जब तक आमला भिजा रहा है मैं इसे अच्छी तरह से मिक्सी में पीस लेती हूँ मसाले को। जैसे ये अच्छे से भिजा रहा है आप देख सक रहे हैं, इसको भूनने में 10 से 11 मिनट का समय लगता है। थोड़ा आमला भी हल्का पक चुका है, अब मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ। गैस ऑफ कर दी, जैसे कि धीरे धीरे चलाना है, ठीक से कलर अच्छा से हो गया, गोल्डन कलर हो गया, आप देख सक रहे हैं। गैस को ऑफ कर दी और इंतजार करना है इसे थोड़ा ठंडा होने, गर्म बिल्कुल ना रहे, एकदम बिल्कुल ठंडी हो जानी चाहिए। ठंडा होने का इंतजार करती हूँ। आप देखिए मिक्सी में मसाला जो मैं भूंज के रखी थी उसे मैं पीस के तैयार कर ली हूँ। देखिए इसे एक बर्तन में निकाल के दिखा रही हूँ, ये मसाला तैयार है। आप चाहे तो इसे पतला भी कर सकते हैं बहुत ज़्यादा, या फिर मोटा, मैं बीच में ही रखी हूँ, ना मोटा है ना पतला, देख रहे इस तरह से मसाला। देखिए अब इसमें मसाला डालने का समय है, मैं डाल के आपको दिखा रही हूँ। जो मैं देखिए सबसे पहले आप इसमें हल्दी डालेंगे, हल्दी इसमें बड़ा से देखिए 2 चम्मच के लगभग, हल्दी जितना ज़्यादा रहेगा उतना अच्छा है, अचार खराब नहीं होता है, इसको आपको आप ध्यान रखेंगे। और इसमें अब डालना नमक, देखिए नमक स्वाद के अनुसार 2 चम्मच में डाल दी हूँ, 2 चम्मच नमक, और आधी चम्मच जीरा पाउडर जो मैं उसमें नहीं डाली थी, आप चाहें तो उसमें ही डाल के भून सकते हैं, ये जीरा का पाउडर है। और थोड़ी सी काली मिर्च की भी पाउडर डाल दें जो मैं पहले से भून बना के रखी थी, देखिए बस ज़्यादा नहीं 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर भी डाल दें। और अब देखिए जो मैं मसाला पहले से तैयार करके रखी थी ये मसाला, इसे भी मैं इसमें देखिए इस तरह से डाल रही हूँ, सारा मसाला इसमें डाल दी। अब इसे अच्छे से चला देती हूँ, देखिए क्या अचार आप देख पा रहे हैं, कितना अच्छा अचार मसाला एकदम से अच्छा है इस तरह से। और यदि आपको तेल कम लगे तो आप ऊपर से भी तेल इसमें डाल सकते हैं, इसे अच्छे से मिला देना है। देखिए कितनी अच्छी लग रही है, आप भी देख सकते हैं, देखिए तैयार आ रहा है, खाने के लिए तैयार है, देख रहे हैं अच्छी तरह से मिला, देखा कितनी अच्छी से बन के तैयार हो चुका है। अब इसे ढक कर 2 दिन के लिए आप अच्छे से रख दें, धूप में भी रख दें या फिर घर में, इसे धूप दिखाते रहें। आप इसे कितने दिन चाहे स्टोर करके रख सकते हैं, 2 दिनों तक इसे आप धूप में रखें। 2 दिन के बाद देखिए, आज दिखा रहे हैं 2 दिन हो चुके हैं, देखिए रंग अचार, वाह कितना अच्छा रंग है। आप इसे चाहे तो बर्तन में एक निकाल के अच्छे से रख देंगे और इसको धूप दिखाते रहेंगे। बस आप इसे एकदम सूखी बर्तन में निकाल के रखेंगे जिसमें कि पानी का नमी एकदम ना हो, अंश भी ना हो जरा मुझा भी, तभी आपके ये जो अचार हैं सालों रख दीजिएगा, कुछ नहीं होंगे, स्टोर करके आप रख दे सकते हैं। देखिए आपको एक बर्तन में निकाल के दिखा रहे, देखिए अचार कितनी अच्छी लग रही है, आप भी देख रहे हैं कितना सुंदर लग रहा है, आप स्टोर करके रख दें, सालों तक खा सकते हैं। आमले के लिए अचार अच्छी लगे, पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, नेक्स्ट वीडियो में बने रहिए।